So hey guys, welcome back to the channel, and we have reached question number twenty-seven of Striver CP Math playlist, and let's see the question. So the question name is Heating. Okay. So several days ago, you bought a new house, and you are planning to start a renovation. Since winters in your region can be very cold, you need to decide how to room heat rooms in your house. Your house has n rooms. ताकि so, rooms Is room? you can install at most CI heating radiators. ओके okay. तो किस घर में आप कितने रेडिएटर इंस्टॉल कर सकते हैं ये भी आपको दिया हुआ है तो बहुत सारे सेक्शन हो सकते हैं पर जो कॉस्ट होगी ना किसी भी रेडिएटर की विद के सेक्शन इज इक्वल टू के स्क्वायर बल्ब ठीक है अगर समझ नहीं आ रहा है तो लेट्स राइट ऑल दिस थिंग के सेक्शन की जो कॉस्ट होगी रेडिएटर की

और रूम्स की हर लाइन में यू हैव टू इंटीजर्स मैक्सिमम नंबर टोटल इट तो चार दिया है, चार लाइने होंगी पहले लाइन पे आपको बताया कि सबसे पहले दिया आपको इस में बोला कि इस रूम में ना एक रेडिएटर चाहिए राइट पर कह रहा है मुझे ना टेन थाउजेंड सेक्शन चाहिए एक रेडिएटर है टेन थाउजेंड सेक्शन चाहिए तो टेन थाउजेंड का टेन थाउजेंड सेक्शन एक ही रेडिएटर में आएंगे ना और तो रेडिएटर है ही नहीं सेक्शन प्लेस करने के लिए तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी सेक्शन स्क्वायर तो इसका टेन थाउजेंड का स्क्वायर हो जाएगा राइट वन टू थ्री फोर फोर की पावर का स्क्वायर टेन की पावर एट हो जाएगा अगले क्वेश्चन पर देखते हैं अगले टिस्ट में तो इस पर दिया है टेन की पावर फोर और वन तो टेन की पावर फोर तो इसके पास रेडिएटर है और उसको सेक्शन डालना है एक तो अगर इसको एक सेक्शन डालना है तो किसी भी एक रेडिएटर में डाल देगा राइट बाकी जो भी बचे ट की पावर फोर माइनस वन वो सारे खाली रह जाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी वन स्क्वायर अगले अगले बात करते हैं टू और सिक्स अब इसके पास ना दो रेडिएटर है मतलब दो प्लेसेस है इसको छह सेक्शन डालना है ठीक है तो ये पूछ रहा है कैसे डालें तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है कि छह के छह पहले में डाल दे दूसरे में ना डाले पांच एक में डाल दे दूसरे में ना डाले चार और दो कर ले तीन तीन कर ले और ये तो फिर वापस से इसका रिवर्स हो जाएगा एन स्क्वायर सेम सिक्स प्लस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्स सिक्स राइट तो बोल रहा है किस तरीके से डाले अब देखो हमें लोड घटाना है ठीक है कोस्ट हमारी कैसे घटेगी जब हम सब पे लोड बांटते हैं मतलब हम सेक्शंस को इक्वली डिवाइड करते हैं right? राइट तो इक्वली डिवाइड क्या है छह दो पोजीशन है तीन तीन करके डिवाइड कर दो तीन तीन में क्या आएगा तीन स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर कितना हो जाएगा वो एटीन एंड एटीन इज द मिनिमम आंसर यहाँ पे देखोगे प्लस जीरो मतलब एक ही को सिक्स दे देंगे तो छत्तीस फाइव स्क्वायर प्लस वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन विच इज ट्वेंटी सिक्स चार स्क्वायर इज सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस टू इज एटीन ठीक है सिक्सटीन प्लस टू इज एटीन तो यहाँ पे भी एक वैलिड आंसर मिल नहीं सिक्सटीन प्लस फोर सॉरी सिक्सटीन प्लस फोर दैट वुड भी ट्वेंटी तो ये भी ग्रेटर है तीन स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर एंड देट वुड भी एटीन सो so, एक ऑप्टिमल आंसर मिल रहा है हमें पता चल रहा है कि लोड को इक्वली डिवाइड करना है इतना तो फील भी आ रहा है कि अगर सेक्शन हमें कोस्ट मिनिमाइज करनी है तो हम सारे सेक्शन को इक्वली डिवाइड कर देते हैं ठीक है एक ही वैल्यू को बढ़ाएंगे तो उसका स्क्वायर और डबल हो जाएगा फालतू में अगले के ऊपर बात करते हैं तो चार और छह ठीक है आपके पास चार रेडिएटर है उसके अंदर आपको सेक्शन डालते हैं तो यहीं पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं कहीं पे तो आपके पास चार प्लेस है आपको उसमें छह सेक्शन डालना है राइट तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे सबसे पहले तो भाई एक एक सेक्शन ना तुम सब ले लो ठीक है एक एक सेक्शन तुमने सब दे दिया अब मुझे कितने सेक्शन और डालने दो सेक्शन और डालने तो अगर मैं दो सेक्शन एक ही में डाल दू तीन तो मैं एक ही एक ही को मैंने लोड कर दिया ओवरलोड कर दिया राइट अब स्क्वायर में ना और मेरी वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूँ जो मेरा बाकी बचे जो मुझे दो डालने उसको भी मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो इसको वन प्लस वन करके टू कर देता हूँ और इसको वन प्लस वन करके टू कर देता हूँ इट एंड इसका सम कितना आ जाएगा टू स्क्वायर इज फोर प्लस फोर इज एट एट प्लस टू इज टेन तो ये हो गया टेन एंड दैट्स द केस सोल्यूशन टेन तो बस सिंपल सा प्रॉब्लम है एंड इसको कोड अप करते हैं तो हमें टी दिया है एंड टी के बाद हमें टेस्ट केसेस के बाद नॉट टेस्ट केसेस वेयर टी इज लाइक द साइज ऑफ द एरे

ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे थाउजेंड और वन है यहाँ पे मान लो टेन थाउजेंड और वन यहाँ पे वन नहीं है मान लो यहाँ पे ट्वेल्व है तो ट्वेल्व मेरे को सेक्शन चाहिए ठीक है और मेरे पास टेन थाउजेंड जगह है तो मैं लोड जब डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा तो मैं आधो को वन 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 सब पे वन देने की जरूरत भी नहीं है कुछ को वन देना और कुछ को नहीं देना राइट तो फॉर दैट केस अगर मेरे पास प्लेसेस ज्यादा हैं प्लेसेस मतलब एक्स ज्यादा है मेरे पास देन वाई और अगर बराबर भी है तो इसका मतलब है मैं हर एक पे जितने मुझे चाहिए उतना का वन वन दे दूंगा दैट वुड बी वाई राइट मेरा वाई ने काम चला दिया एल्स एल्स की बात करते हैं एल्स मतलब मेरे पास जगह कम है और मुझे सेक्शन देना है जैसे केसेस में जगह सिर्फ दो है दो रेडिएटर है छह सेक्शन देने हैं चार रेडिएटर छह सेक्शन देने हैं। ठीक है तो अभी हमने देखा कि सब पे इक्वली लोड डिवाइड तो कर देंगे तो इक्वली लोड करवा लेता हूँ मैं डिवाइड एंड दैट वुड बी वाई मेरे पास जो है सेक्शन है और मुझे एक्स प्लेस दे वाई बाई एक्स इतना इतना पर एक उस पर दे दू आप ठीक है आ, एक रिजल्ट भी बना लेता हूँ तो अब मैं देखता हूं कि मेरे पास एक्स्ट्रा कितना बचा राइट तो एक्स्ट्रा निकाल लेता हूं। एक्स्ट्रा किससे देगा मुझे से मिल जाएगा राइट तो एक्स्ट्रा भी मेरा क्लियर हो गया अब ऐसा हो सकता है कि जैसे इस केस में ठीक है वन टू थ्री फोर एंड फाइव सिक्स मेरा लोड सिक्स का था मेरे को सिक्स सेक्शन देने थे अगर मान लो मेरा एट का होता तो यहाँ पे भी टू आ जाता और यहाँ पे भी टू आ जाता मेरे पास एक्स्ट्रा बचे ही नहीं राइट तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन एक्स्ट्रा अगर एक्स्ट्रा तो तुम्हारे पास जीरो हो गए तो एक केस या फिर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बच गए ठीक है अगर एक्स्ट्रा तुम्हारे पास जीरो हो गए तो फॉर दैट वन तुमने सारों को इक्वली लोड फिक्स कर दिया राइट तो रिजल्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा तुमने इक्वल लोड दे दिया कितनी प्लेसेस है तुम्हारे पास एक्स प्लेसेस है ना एक्स प्लेसेस की जगह फिल करनी थी उसमें सेक्शन तो एक्स इन टू टी इन टू टी तो या, एल्स की बात करते हैं एल्स रिजल्ट वुड अब ये देखो तुम्हें सबसे पहले तो जितना भी तुमने डिसाइड कर लिया जैसे यहाँ पे वन था ठीक है जितना भी तुम्हारा डिविजन करके आया विच इज टी उसे तुम्हें देना पड़ेगा टी तुम्हें देना पड़ेगा लोड ओके एट हाउ मेनी अगर टी लोड देना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी टी स्क्वायर आएगी राइट मतलब किसी टी सेक्शन की कॉस्ट टी स्क्वायर आएगी अब वो टी स्क्वायर मुझे कितनी प्लेसेस पे देना पड़ेगा देखो जो एक्स्ट्रा बच गई एक्स्ट्रा के लिए तो मुझे कुछ बच गए तो जो एक्स्ट्रा से बाहर है तो टोटल मेरे पास कितनी है एक्स माइनस एक्स्ट्रा राइट एक्स माइनस एक्स्ट्रा तो दैट वुड बी माई वट यू से कि जो मेरा इक्वल लोड था जैसे दो वन वन है तो इसमें मेरे पास एक्स uh, कितना है फोर एक्स्ट्रा मेरे पास कितने बच गए थे यहाँ पे दो बच गए थे तो मैंने दो दे दिए फोर माइनस टू इज टू प्लस जो मैंने ये जिनको ओवरलोड करा ठीक है जिन पे मैंने लोड थोड़ा ज्यादा बढ़ाया दैट इज एक्स्ट्रा अमाउंट टाइम उन मैंने कितना कितना अमाउंट पढ़ाया जितने थे उससे प्लस वन प्लस वन कर दिया राइट तो टी प्लस वन टाइम्स टी प्लस वन राइट ज्यादा कुछ सीन है तो इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना बाबा रिजल्ट आ गया एंड आफ्टर दैट जस्ट प्रिंट आउट दी रिजल्ट ठीक है और तो कुछ नहीं करना आई थिंक एंड लेट्स ट्राई एंड

summit to janavas in queue showing accepted here running on test one so if you find this video helpful just like and share it with your friends and this gp sheet is long so make sure you also subscribe to the channel see you in the next one